दोस्तों, ये हमारा एक नया ब्लॉग खोलते हुए हमारे भाई। तो भैया ये इसका नाम बताओ है जहर, आप जिसको भी दे दोगे ना कि एक बार में ही। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने चरखी खोलते ही बता दिया कि क्या क्वालिटी है, आप समझ सकते हैं। डोर ये देखिए, जो नीचे चरखी खुल रही है उसका आप ढर्रा दे सकते हो। ये कारीगर ने नाम ही ऐसा दे दिया इसका, जहर, के सामने वाले को खिला दो तो उठे नहीं दोबारा। तो दोस्तों आपको हल्का सा एक बार रोको, तो दोस्तों ये चमकते हुए तारे दिख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए क्वालिटी। तो ये दोस्तों एक नई पेशकश, इसका नाम ही जहर है। खिला दो जो किसी को भी, जिसको भी आपने खिलाया वो दोस्तों इस जहर के, हाँ, इसका कोई एंटीट्यूड नहीं है। इस जहर के जहर से वो मर पतंग के साथ जाएगा, उड़ जाएगा वो आके। पतंग तो क्या ही उड़ा पाएगा भाई हमारा। तो दोस्तों ये हल्का सा देखिए, ये है क्वालिटी, चढ़े हुए पैटर्न पे है जहर, और ये जहर जल्दी लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। तो पुलिस वालों को मत बताना भाई, जहर बिक रहा सोना सो। खुद ना खाइए, दूसरों को खिलाइए। अरे एक सेकंड रुकिए, इसको और करीब से दिखाते हैं दोस्तों को। तो दोस्तों आप देखिए, आप जो ज़्यादा बोले उसे जहर खिला दीजिए, वो बोलना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप सब दोस्तों के लिए बढ़िया सा मीठा सा जहर है, पर सस्ते दामों में मिल रहा है। जो ज़्यादा बोले आप उसे खिलाइए, जैसे अभी रिंगटोन बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए, तो बिल्कुल सही समय पे बजी हो। तो दोस्तों और रिव्यू करेंगे, अभी थोड़ा जल्दबाजी है, पार्सल लगाने का टाइम हो रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चढ़े हुए पैटर्न पर, और चोबारा टाइप की इसकी सुताई, पर बहुत ही गोल मुंह पे, बहुत ही तेज धार। और ये देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों तैयार है जहर, ये मीठा जहर है पतंगबाजी में दूसरों को खिलाने के दूसरों को लिए खिलाने के लिए, ताकि वो खाए और उसे पता ना चल पाए। खाए तो क्या, चखेगा ही, और टच एंड गो सर्विस है डोर की, चखते ही गायब हो जाएगा जहर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब भी आप चरखियाँ लेके जाते हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी मेकर की हो चाहे अपनी खुद की पर्सनल हो, तो क्या रहता है कि चरखी रिजल्ट देती है या बंदे को लड़ाना आना चाहिए? भैया। चरखी आप चाहे 10,000 की खरीद लो, सोने की बनवा लो, अगर आपको लड़वानी नहीं आती तो फिर चरखी किस काम की। तो बहुत ही काम की बात हमारे भाई ने बताई है, और ये अनुमान और शर्त लड़ाते हैं। और अच्छा, शर्तों के लिए आपने हमेशा, जैसे होता है ना कि महंगी डोरों को प्रिफर करा है, आपने अपने जैसे हुनर को देखा है कि यार मेरे को डोर तो लड़ाना, वही अपन जो अपन उड़ाते हैं वही उड़ाते हैं, आराम से बोल दो और 2000-2500 की रेंज बोल दो, दो कोई हजार दिक्कत नहीं है। पच्चीस सौ की आप रेंज और अभी अपने आप के ऊपर अपन रखते हैं वो कि दो अपन संडे लड़ा सकते। पहले भी आप एक चरखी लेके गए थे जल्दबाजी में, 3:30 बजे आप आए थे, और कोई बात का सवाल था आपका। हाँ वो चरखी में लेके गया हाँ, था, सामने वाले को जीरो से काटा था कि जीरो से काट दिया। और अच्छा ये बताइए, उस बंदे ने मुझे फोन क्यों किया था? आपने आशु को जो डोर दिए गलत डोर रह गया। वो तो फिर क्या प्रूफ हुआ उसमें? प्रूफ यही हुआ, डोर उसने 10 जगह दिखाई, डोर सही निकली और माफी मांगी। अच्छा, तो दोस्तों क्या होता है कि जब अच्छे हुनरबाज से आपका पेच होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कई बार डोर भी चेक होती है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ, कोई भी आप गेम लड़ाएं तो पहले डोर चेक करवा लीजिए। उससे क्या है कि अगर आपका कोई, जैसे होता है हार जीत हो या कहीं पे आपका वो होता है ना कि ईगो हर्ट ना हो, तो पहले ही डोर दिखा दीजिए दोस्तों। उससे एक फायदा मैं ये डोर होता पे है, बिलीव नहीं करता सर, आपके पेज सच्चे होंगे ना तो आप गलत डोर को भी काट दोगे। मैं वो सच और झूठ की बात ही नहीं ना, बात इतनी सी है कि बंदा क्या करे, अगर उसके पास गलती से कोई गलत डोर आ गई है या उसके सामने वाला नहीं मान रहा है, तो पहले दिखा दो डोर, पहले लड़ाने डोर, से पहले दिखा हाँ दो, भाई ये ये दो वही तीन चरखियां मैं लड़ाऊंगा, आपको किसी में एतराज है तो मत लड़ाइए। चेक कर लो। हाँ, जो चरखी आप एग्री करो वही चरखी खुली मिलेगी, वही पेचे मिलेगी, क्योंकि क्या है, डोर का कोई मापदंड नहीं है, कोई तोल रहा है, कोई तोड़ जला के के देख देख रहा है, रहा कोई है जला के देख रहा है, उससे बदनामी हो रही है गेम की। एक बार। और भैया अपने तो आज तक हाँ, सामने लगी कभी डोरी नहीं देखी, चेक कट गए जीरो से क्या काट अरे दिया। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई गलत डोर भी अगर किसी ने बांध ली, चलो ठीक है गलती से ही बांध ली, उसको 1000 गज पे ले जाओ, अपने आप कटना स्टार्ट हो अपने जाएगा। आप कटना स्टार्ट हो जरूरी थोड़ी है जाएगा, छोटा पेच, आपके हक का भी तो पेच आएगा। आप कहाँ का है ले जाओ फेंक हाँ के, खुद ही कटेगा बिल्कुल वो, बिल्कुल, और वही डोर उड़ाएगा, वो सोचेगा इससे काट रहा हूँ मैं, हाँ और वो वही वो डोर बांधेगा छोटे पे दूर काम में। करेगी, दूर में काम नहीं करेगी। तो दोस्तों हमारी तो एक ही आपसे है कि अगर आप हार जीत लड़ा रहे हो, छतों से लड़ा रहे हो, ईगो में लड़ा रहे हो, किसी का कंपटीशन है, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो आप डोर दिखा दीजिए पहले ही, ताकि
ताकि आपके यहाँ से या उसके जहन से ये बात गायब हो जाए कि यार गलत डोर तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, क्योंकि पेज कटने के बाद आजकल सबको ये लगता है कि सामने वाला गलत डोर लड़ा रहा है और ये अच्छे अच्छे के मन में आ जाता है, तो इसलिए आप दिखा दीजिए। अभी ये अपने सब्बू भाई के साथ नहीं हुआ क्या? अब ये तो यार अपन नाम किसी का लेना नहीं चाहते, बस ठीक है। बाकी वो बंदे की डोर एवन थी, कुछ लोगों ने उसको बदनाम करना चाहा, लेकिन उनका ये सपना हो नहीं पाया पूरा। करो भी चलो कोई बात नहीं, इसके लिए वो होता है कि सब अपनी जगह सही है, गलत केवल समय होता है, वो थोड़े टाइम में वो भी सही हो जाता है जब लोगों को पता चलता है कि आदमी गलत नहीं है। तो दोस्तों ये होशियार खिलाड़ी ऐसा काम ही हमारे नहीं करेगा। हमारी तरफ से जहर, मीठा जहर दिया गया है भाई को, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको बंद करते हैं। जल्दी आप लोगों के लिए भी ये तैयार होएगा और आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।